हाय इन्वेस्टर्स वेलकम टू एसओआईसी तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग होल्डिंग कंपनीज की बात करेंगे साथ साथ हम ये देखेंगे कि होल्डिंग कंपनीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है इनका मीनिंग क्या होता है कितने टाइप्स की होल्डिंग कंपनीज हैं एंड होल्डिंग कंपनीज में इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज क्यों ढूंढते हैं क्या लोगों को इसमें इंटरेस्टिंग लगता है एंड साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि होल्डिंग कंपनीज के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं एंड फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि एसओ का क्या फ्रेमवर्क है होल्डिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने का एंड एक्चुअली में हम लोग होल्डिंग कंपनीज नहीं देखते इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग ऐसे कैपिटल एलोकेटर्स देखते हैं विच कैन एलोकेट कैपिटल ब्रिलियंटली इन स्पाइट ऑफ ऑपरेटिंग इन अ होल्डिंग स्ट्रक्चर तो पहले हम होल्डिंग कंपनीज की डेफिनेशन देखते हैं तो होल्डिंग कंपनी कंपनी की डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज अ प्रमोटर शेयर होल्डिंग इन ग्रुप कंपनीज माने होल्डिंग कंपनी क्या होती है कि कभी कभी क्या होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स होते हैं अपनी शेयर होल्डिंग को मेंटेन करने के लिए वो थ्रू होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट करके रखते हैं अपनी खुद की जो अंडरलाइन अंदर एंड सेकंडली कभी कभी होल्डिंग ऐसे भी बन जाती हैं कि सपोज करते हैं अगर मैं इन्फोएच का एग्जाम्पल लेता हूं तो इन्फो एच के अंदर डॉट कॉम है तो से उन्होंने बहुत ज्यादा कैश कमाया धीरे धीरे करके जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स है उसके अंदर पैसा डाल जैसे जोमैटो में डाला एंड पीबी फिनटेक है बाजार उसके अंदर भी डाला तो एक्चुअली में एंड्स अप बिकमिंग लाइक अ होल्डिंग कंपनी जिसके पास एक बिजनेस ऑपरेशन भी है डेट इज ऑफ डेट इज ऑफ नौकरी डॉट कॉम एंड साथ साथ उनके पास तीन चार और भी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं तो ये एक तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है होल्डिंग कंपनी में टू टाइप्स की होल्डिंग कंपनीज होती है मेनली एक होल्डिंग कंपनी ऐसी होती है जो डेट इज प्योर होल्डिंग कंपनी माने प्योर होल्डिंग कंपनी का क्या मीनिंग है कि इसका कोई बिजनेस नहीं होता माने अगर इसका बिजनेस क्या है कि इसके पास जो अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट्स है वही है एंड वहां से इसको बार बार डिविडेंड आते रहते हैं और जो शेयर होल्डर है डिस्ट्रीब्यूट उनको, उनको करते रहते हैं डिविडेंड एंड सेकेंड टाइप की होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है विच ऑल्सो हैज ऑपरेशन ये वाली हमें थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन बट फर्स्ट वन की भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती है सेकेंड वाली के अंदर क्या होता है यूजली uh, कि एक कंपनी uh, के एक होल्डिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है तो यहाँ के यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि एक बिजनेस बहुत ज्यादा कैश जनरेटिंग बिजनेस रहता है विच इज़ एक्चुअली यूज टू इन्वेस्ट इन इन्वेस्ट इन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज माने एक जो कैश का बिजनेस है उसका कैश फ्लो यूज करके जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस है उनके उ, उनके अंदर यह कंपनी इन्वेस्ट करती है सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनी तो एक बार ये समझते हैं कि इन्वेस्टर्स होल्डिंग कंपनीज के अंदर इंटरेस्टेड क्यों होते हैं यहां पे ब्रॉडली थ्री ऐसे रीजंस हैं फर्स्ट की रीजन क्या है कि होल्डिंग कंपनीज आर रिलेटिवली चीपर इन वैल्यूएशन वर्स इज अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट तो पहले यहां पे क्या अंडरलाइंग रीजन है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि जो होल्डिंग कंपनीज है यहां पे हमेशा एक डिस्काउंट दिखता है हमें ये डिस्काउंट क्या होता है कि बेसिकली अगर जैसे अगर मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल लेता हूं कि एक होल्डिंग कंपनी है अगर एग्जाम्पल एक एक कंपनी ए है एंड कंपनी ए के पास जो उसका जो उसकी होल्डिंग की अंडरलाइंग एसेट है डेट इज कंपनी बी कंपनी ए का जो पूरा जो कंपनी ए के जो शेयर्स हैं डाट ट्रेड एट टू हंड्रेड रुपीज मैंने अगर ए की शेयर टू हंड्रेड रुपीज का पूरा मार्केट कैप एग्जांपल टू हंड्रेड रुपीज है तो कंपनी बी का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन वन थाउजेंड रुपीज है एंड देर इज अ डिस्काउंट ऑफ एटी परसेंट माने कंपनी ए का जो एक एक स्टॉक है डाट ट्रेड टू हंड्रेड रुपीज या कंपनी ए का एग्जाम्पल लेते हैं पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन दो सौ रुपए का मेरा जो कंपनी बी है उसकी अंडरलाइंग होल्डिंग कंपनी जो उसकी अंडरलाइंग एसेट है जिसको वो होल्ड करती है दैट इज बेसिकली एट वन थाउजेंड रुपीज एसेंट के आसपास का डिस्काउंट है तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्या ढूंढते हैं कि डिस्काउंट शायद से नैरो हो जाए एंड यहाँ पे क्या अपसाइड स्टडी करते हैं तो अपसाइड कैसे आता है कि अगर कंपनी बी का स्टॉक प्राइस अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट केगर पर ग्रो करते हैं नेक्स्ट थ्री ईयर्स में तो टू टू थाउजेंड रुपीज का हो जाता है अगर डिस्काउंट नैरो हो जाए फिफ्टी परसेंट पहले केस में डिस्काउंट कितना था एट्टी परसेंट बट सेकेंड केस में डिस्काउंट नैरोफ्टी परसेंट तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है पोस्ट द पोस्ट बेसिकली डिस्काउंट नैरोइंग माने डिस्काउंट घट गया तो वो कंपनी का स्टॉक प्राइस वन थाउजेंड का हो जाएगा विच विल इंप्लाई अ गेन ऑफ 400 परसेंट क्योंकि कंपनी का पहले स्टॉक प्राइस कितना था टू हंड्रेड का एंड 80 परसेंट डिस्काउंट था जो फिफ्टी रह गया कंपनी बी का जो स्टॉक प्राइस है वो वन थाउजेंड से टू थाउजेंड रुपीज चला गया तो हंड्रेड परसेंट के आसपास गेन आया पर क्योंकि डिस्काउंट नैरो हो गया इस वजह से कंपनी ए का जो स्टॉक प्राइस था इज द होल्डिंग कंपनी उसके अंदर गेन काफी तेजी से आया तो पहला तो की रीजन ये है कि इन्वेस्टर्स होल्डिंग कंपनी के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमेशा एक अपेरेंट या फिर एक डिस्काउंट दिखता है इन्वेस्टर्स को सेकेंड की रीजन यहाँ पे क्या रहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं देखते हैं होल्डिंग कंपनी के अंदर डिस्काउंट मिलना रो एंड लास्टली इसके अंदर क्या की रीजन रहता है कि यहां पर जो डिविडेंड मिले होल्डिंग कंपनीज की वो काफी अच्छी रहती है क्योंकि अगर कोई प्योर होल्डिंग कंपनी है जिसके पास खुद का कोई बिजनेस नहीं है तो उनको जो भी अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड आता है तो जितने भी शेयर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको काफी टाइम जो डिविडेंड है उसका, उसका पे आउट हो जाता है सो दिस इज द थर्ड की रीजन तो यहां एक इंटरेस्टिंग uh, कोटेशन याद आती है कि अगर बेसिकली अगर आप इंटरसिक वैल्यू को जज कर रहे हैं किसी कंपनी की अगर आप ट्वेंटी रुपीज देते हैं फॉर हंड्रेड रुपीज तो आपको एट्टी परसेंट डिस्काउंट मिलता है पर क्या होल्डिंग कंपनी में ऐसा है या नहीं है आगे जाके देखेंगे विद केस स्टडीज तो यहाँ पे हम पहली केस स्टडी की बात करते हैं विच इज अ प्योर होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ कामा होल्डिंग्स एंड एस आर एफ तो कामा होल्डिंग्स और एसआरएफ क्या है तो कामा होल्डिंग्स का ऑलमोस्ट 52 परसेंट स्टेक था एसआरएफ में टिल 2019 2020 एंड 2022 के बाद उनका जो 52 परसेंट स्टेक है वो 50 परसेंट के आसपास रह गया क्योंकि एसआरएफ ने एक वो करा था क्यूआईपी माने उन्होंने इक्विटी रेज करा था तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या था कि एस का बिजनेस इज बेसिकली एक थ्री डिविजन है उनके पास एक तो उनका पैकेजिंग का बिजनेस है, है, है। जा, प्रॉफिटेबिलिटीजिंग से आती है बट ज्यादातर जो उनको वैल्युएशन मिलती है वो एक जो केमिकल बिजनेस है उसकी मिलती है आई थिंक मैं इस बिजनेस का सम ऑफ द पार्ट वैल्युएशन कर रहा था तो एस का ऑलमोस्ट जो केमिकल बिजनेस का भी रेशियो है एट्टी टू हंड्रेड टाइम्स के आस आते हैं बट यहां पर होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं तो कामा होल्डिंग्स जो एसआरएफ है उसकी होल्डिंग कंपनी है एंड जो ऐसा एन जो एसआरएफ है वो कामा होल्डिंग्स की अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे अगर हम दोनों कंपनीज के बीच का गैप देखते हैं लंबे समय में कि कितना रहे तो डिस्काउंट टू तो अंडरलाइंग होल्डिंग फ्रॉम 2015 अगर हम देखते हैं तो 2015 में कुछ 80% के आसपास का डिस्काउंट था माने अगर, अगर, अगर सपोज करते हैं कि अगर जो अगर जो अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट है अगर वो टेन रुपीज की थी तो होल्डिंग कंपनी सिर्फ टू रुपीज पे ट्रेड कर रही थी तुम्हारे एट्टी परसेंट के आसपास का डिस्काउंट था विराज जो अंडरलाइंग डिस्काउंट है ट्वेंटी में भी सेवेंटी एट परसेंट था ट्वेंटी सेवेंटीन में वो घट के सिक्सटी परसेंट हुआ ट्वेंटी एटीन में फिफ्टी थ्री परसेंट ट्वेंटी नाइनटीन में फिफ्टी परसेंट बट ट्वेंटी ट्वेंटी में वापस बढ़ के सेवेंटी परसेंट हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी वन में भी वापस बढ़ के सेवेंटी सिक्स परसेंट हुआ एंड ट्रेलिंग ट्वेल्थ मंथ में अगर हम रिसेंटली देखें तो ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट के आसपास का डिस्काउंट आ गया माने जहां 2015 के अंदर कंपनी ने स्टार्ट करा था कामा होल्डिंग्स ने एट्टी परसेंट के आसपास का डिस्काउंट था आज वो 80 परसेंट का डिस्काउंट वापस आ गया टू दी अंडरलाइंग होल्डिंग पर यहां पे होल्डिंग कंपनी में मैं आपको पहला जो की रीजन है इन्वेस्ट करने का यहां पे जो पहली की की क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टिंग है वो आपको सिखा रहा हूं कि जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बी वेरी गुड अगर हम एस के, एफ के केस में देखते हैं तो ये लास्ट फाइव सिक्स में ऑलमोस्ट एक कंपनी है विच हैज बीन अ टन बैगर माने यहां पे इन्वेस्टर्स की वेल्ड ऑलमोस्ट टेन मल्टीप्लाई हुई है

वेरास अगर आपने कामा होल्डिंग्स में इन्वेस्ट करा होता तो आपका वन रुपीज वर्न इन टू नाइन पॉइंट विच इज इंक्लूडिंग डिविडेंड्स सो एस आर एफ क्लियरली विन ओवर विन्स ओवर कामा होल्डिंग्स एयर एंड एंड एस आर एफ का जो स्टॉक प्राइस है इट हैज एक्चुअली आउट परफॉर्म द स्टॉक रिटर्न ऑफ कामा होल्डिंग्स तो लास्ट फाइव सिक्स का जैसे हम दोनों के स्टॉक चार्ट का कंपेरिजन देख सकते हैं तो काम होल्डिंग्स इनिशियली आउट परफॉर्म करा था जब जो डिस्काउंट बेसिकलीउंट गॉट ब्रिज मैंने जो डिस्काउंट है थोड़ा सा नैरो हो गया था पर जैसे डिस्काउंट वापस वाइड होके एटी परसेंट के, के आसपास पहुंच गया तो जो आउट परफॉर्मेंस थी वो भी एकदम चली गई तो माने एस आर एफ ने फॉर लास्ट फाइव सिक्स ईयर में कामा होल्डिंग्स को इजिली आउट परफॉर्म कराए तो यहाँ पे की रीजन क्या रहते हैं कि इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं कि जो एक कंगलॉमरे डिस्काउंट है होल्डिंग कंपनीज के अंदर लगे ही रहते हैं तो पे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं कि आ, बेसिकली इन्वेस्टर्स फोकस। जो फोकस है एफ का उसको ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है एंड सेकंडली इसके साथ साथ हम एक जो डिस्काउंट की बात करते हैं हम सेकंड के आएंगे सेकंड केस कौन सी के दैट इज बाय द नेम ऑफ महाराष्ट्र स्कूटर्स तो महाराष्ट्र स्कूटर्स भी मैंने जो मेरे काफी सारे एनलिस्ट फ्रेंड्स हैं या फिर काफी सारे जो का, का, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में फ्रेंड्स हैं तो वो बजाज फाइनेंस को खरीदने की जगह जो महाराष्ट्र स्कूटर्स है उसको खरीद लेते हैं तो मेरे को ये चीज कभी समझ नहीं आई जब जा, जब बैठ के मैंने मैं, जब बैठ के इसकी कैलकुलेशन भी करी थी लास्ट ट्वेंटी एटीन में तभी भी मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं पड़ रहा था तो यहां पर समझते कि इनका थीसिस क्या रहता है तो महाराष्ट्र स्कूटर्स अगेन इज अ होल्डिंग कंपनी एंड पे इनकी होल्डिंग्स क्या कह तो महाराष्ट्र स्कूटर्स बेसिकली जो बजाज ऑटो है उसके शेयर करती है जो बजाज फाइनेंस है उसके शेयर करती है बजाज फाइनेंस इनकी सबसे बड़ी होल्डिंग है इनके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर जैसे हम इनकी बैलेंस शीट पे देख सकते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंडर थर्डली जो बजाज फिनसव है उनके भी शेयर्स होल्ड करती है आई थिंक जो बजाज फिनसव है इनकी जो, जो बजाज फिंसव इनकी सेकेंड हाइएस्ट होल्डिंग है एंड लास्टली जो बजाज होल्डिंग्स है ये उनके शेयर जोन करते हैं एंड बजाज होल्डिंग्स इट इज अ होल्डिंग कंपनी तो यह महाराष्ट्र स्कूटर्स में क्या बैठ रहती है क्योंकि महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्कूटर्स जो बजाज फाइनेंस है उसके सबसे ज्यादा स्टॉक ओन करती है तो इनडायरेक्टली इट्स अ प्ले ऑन बजाज फाइनेंस बट हुआ क्या है कि महाराष्ट्र स्कूटर्स हमेशा एक अंडरलाइंग डिस्काउंट पे ट्रेड करिएवेस्टमेंट्स तो लंबे समय में पिछले छह सात साल से ये डिस्काउंट ऑन एन एवरेज कुछ सिक्सटी टू टू सिक्सटी थ्री परसेंट का रहा एंड जैसा कि हम यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि ये डिस्काउंट जब ब्रिज हुआ था तो लीस्ट कितना गया था आई थिंक 58% के आसपास लीस्ट किया था ये माने 58% से ज्यादा ये डिस्काउंट ब्रिज नहीं हुआ तो अभी भी आज आज के टाइम में भी 65 टू 70% का डिस्काउंट है बट ऑन ऑन एन एवरेज 58 टू 70% के बीच में ये जो डिस्काउंट है ऑलमोस्ट घूमते रहा एंड अगर हम लास्ट फाइव सिक्स ईयर्स में इन कंपनीज का रिटर्न्स देखते हैं जो इनकी अंडरलाइन होल्डिंग्स हैं अगर हम महाराष्ट्र स्कूटर में ना इन्वेस्ट करते अगर हम बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट कर लेते तो अगर इफ यू आर इन्वेस्टेड रुपीज वन इन महाराष्ट्र स्कूटर्स तो आज ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ बेसिस में वो तो रुपीज के आसपास बन जाता सिमिलरली बजाज होल्डिंग्स में भी अगर रुपीज वन लगाए होते तो ट्रेलिंग ट्वेल्व ट्वेल्व मंथ बेसिस पे कुछ रुपीज थ्री के आसपास बन जाते आई थिंक इसमें डिविडेंड इंक्लूड करेंगे तो बजाज होल्डिंग्स में ज्यादा जाएगा बट सिमिलरली अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं इफ समन रुपीज वन इन बजाज फाइनेंस इन ट्वेंटी सो टूडे दट अमाउंट इज क्लोज टू ट्वेल्व रुपीज माने ऑलमोस्ट वो अमाउंट ट्वेल्व एक्स के आसपास हो गया एंड सिमिलरली अगर बजाज में किसी ने वन रुपीज लगाए होते तो आज दैट अमाउंट इज क्लोज टू नाइन रुपीज तो होल्डिंग्स की रिटर्न जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स है उन्होंने इजिली बीट कर दी है एंड महाराष्ट्र स्कूटर्स में सेकेंड बेट एक और क्या रहती है यहां पे इन्वेस्टर्स की कि यहां पे जो अंडरलाइंग होल्डिंग्स है इनका शायद से लिक्विडेशन भी हो सकता है क्योंकि आई थिंक जो महाराष्ट्र स्कूटर्स है यहाँ पे कुछ केस चल रहा था एंड इसमें जो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो भी कुछ ज्यादा स्टॉक ओन करती थी एंड बजाज होल्डिंग्स भी करती थी बट तो जो बजाज होल्डिंग्स है दे रिसेंटली वन द केस एंड जो बजाज होल्डिंग्स है डैट एज इसके अंदर जो मेजोरिटी स्टेक है जो बजाज होल्डिंग्स का उसका हो गया

जैसे हमने जैसे हमने रिसेंटली एक हॉस्पिटल बिजनेस का डिस्कशन करा था एसओ स्टूडेंट्स के साथ आई थिंक थर्ड अक्टूबर के वेबिनार को विच इज थ्रू अ टर्न अराउंड सिचुएशन राइट नाउ

बीबीटीसी so, कंपनी होगी इंडिया के बट होल्डिंग कंपनी में क्या इंटरेस्टिंग है ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट स्टेक ओन करती है ब्रिटानिया के अंदर क्योंकि स्टेक ओन करती है ब्रिटानिया के अंदर तो इसका वैल्युएशन भी उतना अच्छा होना चाहिए था क्योंकि ब्रिटानिया का आज वैल्युएशन कुछ एट्टी सेवन थाउजेंड करोड़ के आसपास का Whereas, इस का उसके तो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ सेवन थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैपिटाइजेशन मिलता है तो अगर हम सिर्फ ब्रिटानिया ब्रिटानिया की बात करें तो वहां से ट्रेड करती है यहाँ पे प्राइमरी रीजन है कि वैल्यू क्यों ट्रैप क्योंकि एक ऑपरेशनल होल्डिंग कंपनी है तो यहाँ पे इनके तीन चार बिजनेस भी है पहले तो हमने बात करी कि यहां पे ब्रिटानिया है सेकेंडली इनके जो यहाँ पे यहां पे जो इनके बिजनेसेस हैं तो जो इनका जो इस ग्रुप के एक एयरलाइंस है डेट इज गो एयरलाइंस ये उसमें शेयर्स ओन करती है फिर जो बॉम्बे डाएंगे उसके अंदर शेयर ओन करती है एंड देन दे रन देयर ओन ऑपरेशन ऑफ टी कॉफी प्लांटेशन हेल्थ केयर एंड इलेक्ट्रोमैक्स माने यहां पे इस कंपनी के रनिंग ऑपरेशंस भी है एंड साथ साथ जो गो एयर है विच इज नॉट सच अ गुड बिजनेस क्योंकि एयरलाइन इज एक्चुअली अ वेरी डीप सेक्निकल बिजनेस तो उसके अंदर भी होल्डिंग कंपनी शेयर ओन करती है

तो उनको वैल्यूएशन कम मिलता है सिमिलर केस इस टाइम पे आईटीसी के अंदर भी चल रहा है कि आईटीसी में होटल का बिजनेस है जो विच इज डीप डीपेक्ल बिजनेस फिर उनके पास एक पेपर का बिजनेस है एग्री का बिजनेस है एफएमसीजी का बिजनेस है सिगरेट का बिजनेस है आईटी का बिजनेस है तो एनालिस्ट के लिए जो एनालिस्ट कम्युनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे बिजनेस को वैल्यू करना मुश्किल हो जाता है इवन दो आई इन माई ओपिनियन इज एक्चुअली अ डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटी बट ये कंगलॉ डिस्काउंट ऐसी कंपनीज के अंदर जरूर रहता है तो भी हमने बात करी जो बॉम्बे बूमरा लाइक कॉर्पोरेशन है इसके बारे में एक और कंपनी की बात करते हैं दैट इज कॉफी डे एंटरप्राइजेस तो कॉफी डे एंटरप्राइजेस का जो आईपीओ है वो 2016 के अंदर आया था जब कॉफी डे एंटरप्राइजेस लिस्ट हुई तो एक्चुअली में जो कैफी कॉफी डे है सिर्फ उसी को ओन नहीं करती थी वेयर इनके जो बाकी ग्रुप कंपनीज हैं वो भी इस कंपनी का पार्ट थे तो इट वॉज एन ऑपरेशनल होल्डिंग कि इनके खुद का जो मेन ऑपरेशन था कैफे कॉफी डे का वो था साथ साथ इनका यहाँ पे जो ग्रुप कंपनी के जो हैं लाइक लॉजिस्टिक्स हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज साथ साथ जो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स है वो भी यहाँ पे था तो, तो दिस इज पार्ट ऑफ द रीजन वाई की इस कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा डेट हैवी हो गई एंड यहाँ पे लॉस मेकिंग होने लग गया तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये जरूर देखना चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बाद अगर कोई कहीं उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडरीज तो नहीं है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कर रही है तो आप एक और वंडरफुल एग्जाम्पल देखते हैं डिस्काउंट का तो जैसे हमने बॉम्बे बुमरा की बात करी कि 80-90 परसेंट डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है पर पे जो इनका डिविडेंड पे आउट है दैट इज बियरली वन टू टू परसेंट माने इतनी बड़ी कंपनी के होने के बाद भी सिर्फ छह सात करोड़ का जो जो डिविडेंड है वो जाते होल्डर्स को सिमिलरली अगर हम तो इनके पास यहां पे ट्वेंटी स्टेक एचडीएफसी बैंक में फिफ्टी वन परसेंट स्टेक आसपास लाइफ में फिफ्टी टू टू फिफ्टी थ्री परसेंट स्टेक एच डी एफ सी एमसी में रहे एंड यहाँ पे जो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट है टू इट्स अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट वो भी सिर्फ ट्वेंटी टू ट्वेंटी के आसपास का है क्योंकि होल्डिंग कंपनी का खुद का एक ऑपरेशनल बिजनेस है डेट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो इनकी एच के नाम है जो इंडिया का

नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनीज या ऐसी कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है बट इन पे आने से पहले आई एव अ बुक रिकमेंडेशन फॉर यू जो विलियम थॉन डाइक ने लिखी है अब बुक बाउटसाइडर्स दिस बुक बेसिकली टॉक्स अबाउट कैपिटल एलोकेशन एंड कैसे कैसे वंडरफुल कैपिटल एलोकेटर्स आके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में कैपिटल एलोकेट करके कैसे शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न बनाया उन्होंने ओवर दी ईयर्स। आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल बुक जो आप सबको पढ़नी चाहिए अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग के अंदर इंटरेस्टेड है बिकॉज आपको एक आइडिया देती है कि एक्चुअली में जो एक फोकस मैनेजमेंट है बिजनेस के अंदर कैसे चेंजेस ला सकती है एंड एक्चुअली में कैपिटल को कैसे एलोकेट कैसे कैपिटल को एलोकेट करा जाता है तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी ऑफ बिजनेस आती है इनको मैं बार बार कहता हूँ साइड कार आ, इन्वेस्टिंग माने जो साइड कार इन्वेस्टिंग है यहाँ पे आप बेसिकली एक ए, जो एक ऐसी मैनेजमेंट है उसके साथ साइड कार में बैठ गए हैं आप कि वो मैनेजमेंट उस उस गाड़ी को चलाते रहेगी एंड साथ साथ क्या होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो बिजनेस उनको भी अक्वायर करते रहेगी एंड उन, उन बिजनेस को स्केल करते रहेगी तो यहाँ पे पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है इज ऑफ तो पहले मैं जिस फैमिली ऑफिस में काम करता था तो हमने हमने में में काफी काम करा था 2017, 2018 में, तब मेंटल मॉडल पे लगाया था तो उस टाइम पे इन्फो एच जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टार्टअप्स है उनके अंदर इन्वेस्ट कर रहा था तो जैसे हम यहाँ पे इनकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तो पहली दो इन्वेस्टमेंट्स हमारे सामने एक पीबी फिनटेक आएगी एंड एक जोमेटो आएगा तो इन्फो एच ने जो उनके कैश कैशो थे नौकरी डॉट कॉम से तो वहां से कैश लोज लेके डिफरेंट डिफरेंट जो स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करा वहां से इनके पास जो दो यूनिकॉन है वो भी निकल आए जैसे तो और पॉलिसी बाजार में देख रहे हैं सो दिस इज एन ऑफ इन्वेस्टिंग एंड जो मोनीश पब रहे कंपनीज को कहते हैं स्पॉनर्स सो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर चले जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ अ स्पॉनर और बेसिकली साइट कार इन्वेस्टिंग जो हमारे पास है डेट इज ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का जो कोर बिजनेस है डेट इज इन टू ऑटो पार्ट बट ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ द मुरू गप्पा ग्रुप एंड मुरू गप्पा ग्रुप आई थिंक साउथ इंडिया में या अगर हम इंडिया में बात करें इट्स अ गोल्डन ग्रुप वेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस आई थिंक इट इज द एच डी एफ सी ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस किसी भी बिजनेस को अगर आप देख लो तो मुूगप्पा ने एक्चुअली में वहां पर वेल्थ क्रिएट करी है आई थिंक दे टेक केयर ऑफ द शेयर होल्डर्स वेरी वेल तो पे जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट है पे का था तो ऑटो पे डिपेंडेंस कम करने के लिए इन्होंने पे स्ट्रेटेजी कहती है कि जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है उसके लिए जाएंगे सेकंड T2 टू स्ट्रेटेजी क्या है इनऑर्गेनिक कंपनीज को अक्वायर करेंगे

थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट या यहां एक, एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो हम लोग भी पढ़ेंगे थर्ड की एक्साम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है जो लास्ट टू थ्री डेकेड में ग्रुप आया है डेट इज द पीरामल ग्रुप जिसकी हमने बात भी करी थी रिसेंटली एक वीडियो के अंदर कि जो पीरामल है उनके पास इस टाइम पे फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फार्मा फार्मा का ग्रुप बिजनेस है पर जो हमें फार्मा का बिजनेस है वो इस टाइम पे बहुत पसंद आता है क्योंकि फार्मा के बिजनेस के अंदर ये लोग भी एक्विजिशन करते रहेंगे एंड इनका एक्चुअली बैकग्राउंड ही फार्मा वाला है

ट्राइंग टू एक्सपैंड सो ये थर्ड टाइप ऑफ या थर्ड कैटेगरी ऑफ कंपनी हमारे पास आ गई सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हमने होल्डिंग कंपनीज की बात करी होल्डिंग कंपनीज में रिसेंटली एक भी और एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या हुआ था कि पहले यहाँ पे जो डिविडेंड था उसका डुअल टैक्सेशन होता था माने जो इनकी इन्वेस्टिंग कंपनीजी थी वो इनको जब डिविडेंड देती थी तभी भी टैक्सेशन होता था फिर जो जब जब होल्डिंग कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी फिर भी एक टैक्सेशन होता था पर रिसेंटली ट्वेंटी ट्वेंटी में वो लॉ चेंज हो गया है एंड जो एंड शेयर होल्डर्स हैं उनके हाथ में जो डिविडेंड है दैट इज बेसिकली टैक्सेबल ई थिंक गोइंग फॉरवर्ड या फिर ट्वेंटी ट्वेंटी से हम देख रहे हैं तो जो होल्डिंग कंपनीज काफी ज्यादा डिविडेंड देती थी उनका जो डिविडेंड पे आउट है डेट इज गोइंग टू इंक्रीज तो कंपनीज लाइक टाटा इन्वेस्टमेंट्स बिकम वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड यील्ड ऑलरेडी अच्छी थी एंड यहाँ पे जो डिविडेंड का अमाउंट है वो भी आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जाएगा तो टाटा इन्वेस्टमेंट्स टाइप कंपनी हमें अच्छी हमें पर्सनली अच्छी लगती आई थिंक दिस इज अ बिजनेस जो हम आपके साथ चैनल पे एनालाइज भी करेंगे एंड एंड होल्डिंग कंपनीज में हमें क्या देखते हैं कि जो अंडरलाइंग होल्डिंग है वो डैट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी माने ये नहीं की अगर अंडरलाइंग होल्डिंग भी खराब हो तो जो होल्डिंग कंपनी है वो भी खराब होगी आपको डिस्काउंट हमेशा मिलेगा एक्चुअली में कभी वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी

साथ साथ अपने ऑपरेशनल होल्डिंग्स के अंदर ही ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज भी साथ साथ ऐड करते जाते हैं जो कंपनी के फ्यूचर को फ्यूचर को काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकती है आई थिंक ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की हमने बात करी पीरामल फार्मा की बात करी, एंड की बात करी